सुबह के नाश्ता हो या छोटे मोटे भोग के लिए जल्दी से आप कुछ बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप सभी के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चार आलू को हमने उबाल कर मैश करके लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच जीरा पाउडर, 2 पिंच रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, अदरक और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 पिंच के करीब चाट मसाला और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मैश करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से आलू के अंदर हमने मैश कर लिया है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे 4 चम्मच मैदा में 1 चम्मच हमने चावल का आटा मिलाया है। इसमें हमने डाला है 2 पिंच नमक, 2 पिंच हल्दी पाउडर और 1 पिंच रेड चिली पाउडर, और इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम लम्स फ्री इसका घोल बनाकर तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसिस। 1 ब्रेड हम लेंगे और इस पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब आलू रखेंगे, और इस तरीके से हमें इसे ब्रेड पे चारों तरफ आलू को फैला लेना है। तो यहाँ पे हमने एक चाकू के हेल्प से अच्छे से ब्रेड पे आलू को फैला लिया है। इसी तरीके से सारे ब्रेड पे हम आलू को फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे ब्रेड को हमने तैयार कर लिया है। चलिए चलते हैं अब गैस के तरफ। गैस ऑन करके हमने एक फ्राई पैन रखा है। 2 चम्मच बटर डालकर बटर को अच्छे से गर्म किया है। अब हमने जो घोल बनाकर रखा हुआ है उसे लेंगे और 1 स्लाइसेस लेंगे और इसे हम इसमें डिप करेंगे। जिस साइड से हमने आलू लगाया है उसी साइड हमें डिप भी करना है। अब इसे इस तरीके से पैन में डाल देंगे। ये देखिए आलू के साइड हमने डिप किया और निकाला, पैन में रखा। अब इसी तरीके से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए अब इसे हम पलट देते हैं। 3 मिनट हो चुका है और थोड़ा सा बटर और डाल देंगे ताकि नीचे की साइड से भी अच्छे से सिक जाए ब्रेड। तो ये देखिए हमने पलट दिया है और दोनों साइड से हमने इसे सेक लिया है। देखिए बनकर ये ब्रेड टोस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरीके से बचे हुए सारे ब्रेड को हमने सेक लिया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो एक हम ब्रेड को यहाँ दूसरे प्लेट में निकाल कर इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ऊपर से हम लगाएंगे शेजवान चटनी। आप चाहें तो सबसे पहले टमाटो सॉस भी या मीठी चटनी भी लगा सकते हैं। शेजवान चटनी के बाद हम इस पे लगाएंगे ग्रीन चटनी और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद इस पे हम मीठी चटनी या सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉस लिया है, इसे भी अच्छे से ब्रेड पर फैला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च हम डालेंगे। हरी मिर्च तीखी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर दीजिए, पहले भी मिर्च पड़ा हुआ है। हरा धनिया डालकर बारीक नमकीन से हम इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।